प्रदेश की भाजपा सरकार भले ही विकास यात्रा निकालकर अपनी उपलब्धियां गिनाने में लगी है, लेकिन आज जो हालात इस गांव के हैं, वो उनकी विकास की पोल खोलती नजर आ रही है। हम बात कर रहे हैं जोबट विधानसभा के कट्ठीवाड़ा ब्लॉक स्थित ग्राम मोटी बढ़ोई के घमोलिया फलिया की, जहां लगभग 2 किलोमीटर से भी अधिक का कच्चा रास्ता वहां के ग्रामीण जनों के लिए मुसीबत बना हुआ है। हालात ये है कि बारिश के समय यहां के रहवासियों को आने जाने में काफी परेशानियां उठानी पड़ती हैं। हाल ही कुछ दिनों पूर्व जोबट ब्लॉक के ग्राम थापली में कांग्रेसी नेता महेश पटेल द्वारा निजी खर्चे से बनाए गए रोड की चर्चा इस गांव के फलिये तक पहुंची, तो यहां के रहवासियों ने कट्ठीवाड़ा के कांग्रेसी कार्यकर्ताओं से संपर्क कर महेश पटेल को वस्तु स्थिति से अवगत करवाने के लिए बुलाने का आग्रह किया। इस पर महेश पटेल तत्काल वहां पहुंचे, वो ग्रामीणों से चर्चा की व रोड की इस समस्या से रूबरू हुए। रोड की इस समस्या को लेकर ग्रामीणों व कट्ठीवाड़ा ब्लॉक अध्यक्ष पारसिंह बारिया ने क्या कहा सुना? यहाँ घमोले फले वालों ने बहुत सालों से इस रोड की मांग कर रहे थे, पर शासन ने कोई ध्यान नहीं दिया है। शासन बड़े बड़े वादे करती है, पर ग्राउंड लेवल में कोई काम नहीं हुआ है। अब ये 2 किलोमीटर रोड मोटी बड़ोई से ठेठ घमोले तक का 2 किलोमीटर का रोड है। आज हम अभी आए हैं, इन घमोले वालों ने अपने युवा साथी है, उन्होंने हमारे को कॉल करा और बुलाए और पहले बात करी कि वो थापली में जो महेश भाई ने निजी खर्चे से रोड बनाया, तो फिर इन्होंने हमसे संपर्क करा, तो हम महेश भाई से संपर्क करा और आज महेश भाई को लेके आए। आज हम रास्ते में देखते देखते आए, मांडे मांडे कीचड़ है और कहाँ से बच्चे जाएं और कहाँ लोग निकले, यहाँ निकलने की कोई जगह ही नहीं बची। और ये लोग बता रहे हैं कि अगर अस्पताल में कोई बीमार हुआ ना तो जननी गाड़ी आती है ना एम्बुलेंस गाड़ी आती है, यहाँ से तोक के और ये मेन रोड तक ले जाते हैं और वहाँ से फिर अस्पताल ले जाए। अगर पहले से इतना शासन नहीं, 2 किलोमीटर का रोड है तो शासन को ध्यान देना चाहिए। इन्होंने 2-3 बार शिकायत करी है शासन को, कोई कहीं कहीं से कहीं तक हुआ नहीं, और आज ये महेश भाई को बुलाया है और पूरे गांव वालों के सामने बात रखी है। रोड की जर्जर हालात देखकर महेश पटेल ने भी प्रशासन से आग्रह किया कि 3 दिन में रोड दुरुस्त करे, अन्यथा वे स्वयं अपने निजी खर्चे से इस रोड की मरम्मत करवाएंगे। सुनिए क्या कहा महेश पटेल ने। आज यहाँ पे घमोले फले में ग्राम पंचायत मोटी बड़ाई, जो कि रोड से मेन रोड से करीब 2 किलोमीटर का ये रोड है, और हम यहाँ पे आए गिरते बारिश में और दो दो तीन तीन फीट के गड्ढे, कई गाड़ियाँ फंस जाती है। और मुझे यहाँ बताया पूरे फले और गांव वालों ने कि ये रोड कई बरसों से मांग की, सरपंच से मांग की, जनपद में मांग की, कलेक्टर से मांग की और विधायक से भी मांग की, लेकिन आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। जो कि यहाँ प्राथमिक स्कूल भी है और मिडिल स्कूल जो वहाँ पे रोड पे है, तो यहाँ से भी बच्चे पैदल जाते हैं और पैदल आते हैं, और यहाँ जननी गाड़ी भी नहीं आती और 108 भी नहीं आती, तो ये जो भी कई डिलीवरी केस हो चाहे बीमार हो तो ऐसे लोगों को मतलब तोक के ले जाते और इसके बाद के गुजरात या कट्ठीवाड़ा ले जाते। तो मुझे गांव वालों ने और हमारे ब्लॉक अध्यक्ष पारू भाई, भरत भाई, गुआड़ा दादा, नरू भाई सभी ने मुझे बताया कि भैया एक बार आप यहाँ फले में आओ और आप लोग यहाँ पे देखो। तो मैंने ये बताया पारू भाई, भरत भाई को, अगर कोई पत्थर या गिट्टी मिल जाएगी 10-15 डंफर तो मैं यहाँ गांववासियों के गांव ये और पूरे बच्चों को देखते हुए, तो ये जितने भी गड्ढे हैं मैं शासन से मांग करता हूँ, अगर शासन नहीं करवाता है 1-2 दिन में तो हम पूरे गांव वाले मिलके और सभी कार्यकर्ता मिलके एक हलमा के रूप में चला के इस रोड को शीघ्र ही करके हमारे माताएं बहनें और बच्चों को मतलब ये परेशान नहीं आई
और हम शीघ्र करेंगे अगर शासन नहीं करता है तो। बारिश के समय दिख रहे हालात व आपातकाल स्थिति में 108 जननी एक्सप्रेस के नहीं आने की समस्या को देखते हुए तथा प्रशासन की उपेक्षा को भांपते हुए महेश पटेल द्वारा समीप ही लगभग 10 किमी स्थित डेलोमाइट खदान में जाकर रोड मरम्मत में उपयोग आने वाली गिट्टी का जायजा लिया व वहां के ठेकेदार से 40 से 50 डंपर गिट्टी को लेकर चर्चा की। यहां भी अगर मौजूदा सरकार व प्रशासन इन ग्रामीणों की समस्या का निराकरण करने में नाकामयाब रहता है व कांग्रेसी नेता महेश पटेल अगर अपने निजी खर्चे से इस रोड को बनाते हैं तो एक बार फिर शासन व प्रशासन पर यह बड़ा तमाचा होगा। फिलहाल आने वाले समय में यह रोड कौन बनाता है ये देखने वाली बात होगी। वहीं दूसरी ओर नल जल योजना के तहत निर्मित पानी की टंकी से ग्राम मोटी बढ़ोई के एक अन्य पूरे फलिए में पाइपलाइन नहीं होने से वहां के ग्रामीणों को पानी नहीं मिलने पर तत्काल ठेकेदार को बुलाकर इस संबंध में चर्चा की तो संबंधित अधिकारी को फोन पर अवगत करवाया। जन समस्या को लेकर कठीवाड़ा पहुंचे महेश पटेल के साथ वरिष्ठ कार्यकर्ता गोहायडा बाबा, भरत राज सिंह जादव, नरिया किरादा ब्लॉक कार्यवाहक अध्यक्ष मुनीर खान, गोलू, इरशाद शेख, हिरू निमजी, दुरसिंह, अरविंद आदि कांग्रेसी कार्यकर्ता व ग्रामीण जन उपस्थित रहे। कठीवाड़ा से सीबी लाइव की रिपोर्ट।